नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रलोक कुमार और आपको मेरे चैनल एसके बिल्डिंग डिज़ाइन स्टूडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया प्लान लेकर के आया हूँ जो कि नॉर्थ फेसिंग प्लान है और इसको भी एक पार्टी के रिक्वायरमेंट से ही बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्लॉट का जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्लॉट का जो लेंथ है वो है 28 फीट और इस प्लॉट का जो विड्थ है वो 22 फीट का था और इसी में इसको डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो पोर्टिको है, ये पोर्टिको कम पार्किंग भी है यहाँ पे, जो कि 9 फीट बाई 16 फीट का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, एवरेज साइज का है। 9 फीट बाई 16 फीट का है जो कि काफ़ी अच्छा है और एवरेज साइज का है। इसमें भी आपको कार वगैरह पार्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें आप चाहे तो बरंडा जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैठने के लिए, अगर कोई बाहरी आया गया है तो उसको बैठने के लिए। और इसी पोर्टिको से हमारा डायरेक्ट एंट्री होती है हमारे घर में, जो कि सबसे पहला एंट्री हमारा डाइनिंग में। इस डाइनिंग का जो साइज है 10 फीट बाई 8 फीट का है, जो कि एवरेज साइज है, नॉर्मल साइज है। और इसमें आप सोफ़ा, छोटा सा सोफ़ा वगैरह के साथ एक डाइनिंग टेबल आसानी से सेट कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ यहाँ पर हमारा बेडरूम आता है जो कि 10 फीट बाई 10 फीट 7 इंच का, जो कि एवरेज साइज का है। और दोस्तों, यहाँ पर पोर्टिको से एक डायरेक्ट बेड डोर भी दिया गया है जो कि डायरेक्ट इस बेडरूम में आती है। एज ए इमरजेंसी केस इसको इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो ये ऑलमोस्ट क्लोज ही रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर विंडो का भी प्रोविज़न दिया गया ताकि हमको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों आगे। यहाँ पे सर डाइनिंग से एक और अटैच टेबल है जो कि किचन है, जो कि 6 फीट बाई 6 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का है, जो कि नॉर्मल साइज का है। इसमें एक आदमी आसानी से खड़ा होकर के खाना बना सकते हैं, एक आदमी के लिए जगह की कोई कमी नहीं होने वाली दोस्तों इसमें, जो कि एवरेज साइज है। उसके बाद डाइनिंग से एक अटैच टॉयलेट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा और बड़ा टॉयलेट दिया गया है, 9 फीट बाई 4 इंच का है। इसमें बहुत ही अच्छा है, जगह की कोई कमी नहीं होने वाली इसमें, आप आसानी से अटैच बाथरूम इसको बना सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद डाइनिंग से एक डायरेक्ट एंट्री होती है हमारा स्टेयर में और इस स्टेयर का जो साइज है दोस्तों आप देख सकते हैं, जगह की कमी होने के वजह से इसको थोड़ा सा कम स्पेस में बनाया गया है, जो कि 12 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का है, जो कि ये भी एवरेज साइज है और इसमें भी जगह की कोई कमी नहीं होने वाली और आसानी से इसमें आप किसी भी सामान को लेकर के ऊपर जा सकते हैं दोस्तों। और ये हमारा डायरेक्ट जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर का प्लान देखते हैं। और ये हमारा जो डायरेक्ट एंट्री होगा दोस्तों, ये हमारा डाइनिंग में होगा, जो कि सेम है स्पेस इस डाइनिंग का, 10 फीट बाई 8 इंच का है। और उसी के साथ एक अटैच्ड किचन है जो कि 6 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का है, जो कि एवरेज साइज का है। और दोस्तों, उसी के साथ यहाँ पर एक और बेडरूम है, देख सकते हैं आप, 10 फीट बाई 10 फीट 7 इंच का है, जो कि एवरेज साइज ए भी है। आप आसानी से इसको एवरेज यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये ज़मीन का साइज़ को देखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके का ज़मीन होता है एक्चुअली दोस्तों उसी तरीके से भी डिज़ाइन किया जाता है। और यहाँ पे जो टॉयलेट है 9 फीट बाई 4 इंच का है, जो कि थोड़ा अच्छा टॉयलेट है, अच्छा खासा टॉयलेट यहाँ पे है। और इसी के साथ यहाँ पे एक और बेडरूम है दोस्तों, देख सकते हैं 9 फीट बाई 12 फीट का है, जो कि काफ़ी अच्छा है और बड़ा भी है। और यहीं और सबसे लास्ट में यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 3 फीट 6 इंच का एक बालकोनी दिया गया है और इसमें जाने के लिए दो साइड से डोर दिया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोनों बेडरूम से एक एक डोर प्रोवाइड किया गया है, ताकि ये दोनों आराम से इस बालकोनी में आ सके दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये प्लान, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।